उनके लिए ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, और बाकी सबके लिए थियोरी तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, चलो अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बताने वाला हूँ कुछ कुछ, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। एक है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को कैपिटल ऐसे डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। और उसको बोल सकते हैं, इसी को मैं वापस उसी वर्ड्स को इक्वेशन में लिखता हूं कि सर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, डेल्टा क्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट फॉर द टेम्परेचर, ठीक है, पर यूनिट मास, दैट्स नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट। और इसको मेजर कैसे करते हैं, जूल पर केजी केल्विन से। ठीक है, चलो मोलर एक और होता है, उसमें हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट की जब बात करते हैं तो ये एस हो जाता है आपका सी, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, और मोलर की बात करते हैं तो न्यू आ जाएगा या फिर एन आ जाएगा, 1/N डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो सी पी डिनोट करते हैं उसको, 1/N डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एट प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, उसको लिखते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। देखो कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये डेफिनेशन से ही आया है इक्वेशन, ठीक है, मैंने कहीं पॉकेट से उठा के नहीं रखा है। जो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या है हमारा, उसी से है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री पर पर यूनिट मास, तो बेसिकली वही है, पर यूनिट मोल बोलोगे तो आप मोलर स्पेसिफिक में पहुंचाओगे। ठीक है, चलो तो आप ये भी देखिए कि मोलर स्पेसिफिक हीट का डिपेंडेंस किस किस के साथ है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, बोल सकते हो नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आप बोल सकते हो टेम्परेचर, तीसरा क्या है, एक और हीट। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। चलो अभी हम बात करेंगे अलग अलग केसेस के बारे में कि स्पेसिफिक हीट है तो वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब होगा तो उसको सीपी के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं सीवी के फॉर्म में। ठीक है, तो जनरली सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, इसका प्रूफ भी है, ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए वो नहीं है। ठीक है, चलो नाउ अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं सीपी और सीवी के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं बताना जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, इट मे पॉसिबल कि इसका डायरेक्शन भी आपको पूछा जा सके। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये आ ही सकता है, लेकिन दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स ऑल्सो, नीट के एग्जाम के लिए भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन की व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सीपी और सीवी का रिलेशन हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब सीपी और सीवी का रिलेशन प्रूफ करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, हम सिंपल सा फॉर्म लॉ यूज करेंगे और वो आप पहले से जानते हो। आपका लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप देख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, मैंने सब डेल्टा के फॉर्म में लिखा है, हमने पहले लिखा था इसको क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी ऐसे लिखा था, इसी को मैंने चेंज इन एनर्जी के फॉर्म में लिखा है, सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स अ सेम थिंग, तो प्लीज थोड़ा उसको समझिए। ठीक है, चलो अब
मैं बात करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक हीट की, राइट। सो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो इफ हम पहले बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को डिनोट करते हैं सीवी से, और इसको लिखते हैं 1/n, या म्यू आप डिनोट कर सकते हो, मैं म्यू ज्यादातर प्रिफर करता हूं, तो म्यू, ठीक है, और एन ही लिख दिया आपको के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, ठीक है, सॉरी डेल्टा टी, सब्स्टिट्यूट करो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सीवी क्या है आपका 1/n डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा वी क्या होना चाहिए, जीरो, करेक्ट। अगर मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जीरो, तो मैं यहां पे ये वो सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस, आई एम गोना रिमूव दिस पॉइंट। चलो सो मेरे पास क्या आ गया, सीवी आ गया, सीवी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी 1/n, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, सब्स्टिट्यूट करो ये होगा आपका जीरो, उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू बाय डेल्टा टी 1/n, ठीक है। चलो अभी उसी तरह से सीपी लिखते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, सो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसको डिनोट करते हैं सीपी से, तो सीपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एट प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलो सो ये हो गया आपका सीपी। अब इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये मैंने क्या लिखा है फ्रॉम फर्स्ट लॉ, क्या है फर्स्ट लॉ अपना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो मैं वही लिख रहा हूं बस, डिवाइडेड बाय 1/n आप लिख सकते हो। अगर पर यूनिट आप पर फॉर वन मोल कैलकुलेट करते हो तो इसको वन कैसे, चलो ये फॉर वन मोल, फॉर एन इज इक्वल टू वन, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आपको गड़बड़ ना हो बेसिकली, ठीक है, रख सकते हो आप, कोई बड़ा डील नहीं है, जस्ट टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी कि ये सारा कैलकुलेशन फॉर वन मोल है, ठीक है। चलो तो सीपी क्या हो गया आपका डेल्टा यू बाय डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब कहीं देखा देखा लग रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन था हमने वॉल्यूम कांस्टेंट पे रखा था, लेकिन इस पे प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट उसका कोई यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है जो वॉल्यूम के साथ डिपेंडेंट हो, सो बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो मुझे क्या मिल गया सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। देखो फॉर्मूला बहुत आसान है ये, आप तुरंत डिराइव कर सकते हो अगर पहली बार में समझे हो, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या आ गया पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। चलो अब मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ स्टेट, सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर एन इज इक्वल टू वन, हम बात कर रहे हैं अगर आप एन यहां पे रखते तो एन ये यहां पे कैंसिल होने वाला था, ठीक है, सो पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब यहां पे जब हम बात कर रहे थे तो ये क्या है प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर, अभी कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट मुझे चाहिए डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो मैं क्या लिखूं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं अगर, तो
डेल्टा पी ऑफ वी इज इक्वल टू डेल्टा आर ऑफ टी। बेसिकली मैंने डेरिवेटिव लिया दोनों तरफ, तो इस अब ये कांस्टेंट है, मुझे इस कंडीशन के लिए चाहिए, तो पी कांस्टेंट है मैं बाहर ले लेता हूँ, पी डेल्टा वी इक्वल टू यहाँ पे आर कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूँ, सो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर बाय टी, ठीक है, आर बाय पी। तो आप पी को इधर ही ले लीजिए क्योंकि वो हमें डायरेक्ट मिलेगा, तो मुझे मिल गया पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये क्या है इज इक्वल टू आर, ठीक है। सो मुझे क्या रिलेशन मिला, सी पी माइनस सी वी इज नथिंग बट कैपिटल आर, ठीक है। चलो इसको मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, और स्पेसिफिक हीट के रेशियो को हम बोलते हैं गामा, गामा इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट रेशियो, इसका भी स्पेसिफिक वैल्यू आता है, ज्यादातर अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग गामा निकलता है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो मैं आपको सिर्फ रफली एक आइडिया दे देता हूँ कि गामा की अलग अलग वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई पूछे तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस लूँ, मोनो एटॉमिक गैस, तो सी वी आपका होता है 3/2 R, इसका डेरिवेशन है जिसपे मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और सी पी होता है 5/2 R, तो इसका गामा निकलता है 1.67, आपको ये वैल्यू याद रखना है बस, ठीक है। दूसरा होता है डायटोमिक गैस, सी वी होता है आपका 5/2 R और सी पी होता है 7/2 R और गामा जो आपका होता है यहाँ पे वो होता है 1.4। 90% न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमें हमने पढ़ लिया कि थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या है, जीरोथ लॉ क्या है, अलग अलग प्रोसेसेस स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, तो अलग अलग इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, फिर हमने ये भी देख लिया कि मोनो अलग स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अलग अलग कंडीशन के लिए स्पेसिफिक हीट क्या है, जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या है, ये सारा डिस्कशन हमने खत्म कर लिया। तो आगे अभी इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के रिलेटेड है वो चीज, तो अगर आपको ये सब चीजें अभी तक नहीं समझ में आई सो आई सजेस्ट यू कि वीडियो पॉज कीजिए और पहले से पूरा वीडियो रिवाइज कीजिए, या तो अगर आप अपने नोट्स बनाए तो उसको एक बार देखिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेसेस के बारे में, अलग अलग प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, अलग अलग प्रोसेसेस। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कॉज स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको समझने बहुत जरूरी है, कॉज स्टैटिक प्रोसेस। अभी इसके वर्ड में ही एक्चुअली काफी मीनिंग दे दिया गया है, सो कॉज स्टैटिक प्रोसेस इज नथिंग बट द इनफिनिटली स्लो प्रोसेस, मैं इसके लिख देता हूं इनफिनिटली स्लो, ठीक है, सच दैट सिस्टम रिमेनिंग इक्विलिब्रियम। मतलब एग्जांपल देता हूं, एक सिस्टम है पिस्टन वाला सिस्टम हमेशा आसान होता है समझने के लिए, इसलिए ज्यादातर एग्जांपल में मैं यही लेता हूं, ठीक है, एक पिस्टन है जो ऊपर नीचे से कर रहा है, ठीक है, अभी पिस्टन पहले इस पोजीशन से यहां पे आया, 1 से लेके 2, जब पिस्टन यहां पे आया तब इसका प्रेशर P2, V2, T2, V2 ये हो गया अंदर वाला, टेम्परेचर ये सब चेंज होता है। अब जब कोई भी सिस्टम ऐसे डिस्टर्ब होता है तब क्या होता है, वह इक्विलिब्रियम से हट जाता है, बेसिकली पहले यहां पे इक्विलिब्रियम में था अब यहां पे ऐसे डिस्टर्ब होता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इस सिस्टम को तुम ऐसे मूव करो, इतना स्लो मूव करो कि
जैसे वो डिस्टर्ब हो वापस वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, जैसे वो डिस्टर्ब हो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए। बेसिकली हम इन्फिनेटली स्लो प्रोसेस में इसको इस पार्ट को डिवाइड कर देते हैं कि सिस्टम हमेशा आपका इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। सो अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज एन इन्फिनेटली स्लो प्रोसेस सच दैट द सिस्टम रिमेनिंग थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टैटिक वर्ड है, वो स्टैटिक वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में यही बात कर रहे हैं कि बेसिकली मैं स्टैटिक हूँ, इक्विलिब्रियम में हूँ, मैं डायनेमिक नहीं होना चाहता। तो इन क्वासी स्टैटिक मीनिंग नियरली स्टैटिक प्रोसेस एट एवरी स्टेज एंड द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिफर ओनली एट इन्फिनिटेसिमली फ्रॉम दो सिस्टम। बेसिकली बहुत ही इन्फिनाइट पे जाओगे तो चेंज होगा, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमेशा याद रखो इन्फिनाइटली स्लो स्लो प्रोसेस है और वो थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये सबसे पहले बताया। अब हम आपके मेन प्रोसेसेस पे जाते हैं जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में यूज हो, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हाउ डू यू डिनोट इट? तो आइसोथर्मल, अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया जाए तो आप उसको ड्रॉ कैसे करोगे, ये भी एक आपका प्रश्न है, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें याद रखो कि जितने भी प्रोसेसेस आपके पास है वो सारी प्रोसेसेस का डायग्राम बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। दूसरा एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं आइसो बारिक प्रोसेस, ठीक है। ये आइसो जो वर्ड है इसी से आइडिया आ जाना चाहिए कि ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। थर्मल जो वर्ड है इससे पता चल जाता है कि ये टेम्परेचर है, यहाँ पे बार की बारिक है तो ये प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस की बात चल रही है। थर्ड एक प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें होता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। फिर आता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में बेसिकली क्या करते हैं, एडियाबेटिक मतलब वहां पे हीट फ्लो नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली हीट फ्लो क्यू इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो देयर इज नो फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है तो यहां पे डेल्टा क्यू जो होता है वो जीरो है, कोई ट्रांसफर नहीं होता हीट का, ठीक है। तो ये मेन चार प्रोसेस है जिसके अराउंड सारे आपके जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज है इसके अराउंड आप डिफाइन कर सकते हो। अब इन पर्टिकुलर प्रोसेस अगर आप समझते हो तो बाकी आप तो ये समझ सकते हो कि आपका रेफ्रिजरेटर कैसे काम कर सकता है, हीट इंजन कैसे काम कर सकता है, बाइक कैसे काम करता है, अलग अलग जो प्रोसेसेस होते हैं उसके वो आप समझने के लिए आपको ये चार प्रोसेसेस पता होने चाहिए। तो अगर ये चार प्रोसेसेस पता होने चाहिए तो इससे रिलेटेड आप क्वांटिटीज भी आने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे, हम ईच एंड एवरी टर्म के लिए हम बात करेंगे कि इसकी इक्वेशन के इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उसका इफेक्ट आपके इक्वेशन ऑफ स्टेट पे क्या आएगा। अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV=nRT, तो आर तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है। मैं यहां पे बोल रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अगर टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है तो पीवी क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस को आप बोल सकते हो
ईवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। और इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो याद रखो, फॉर द बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। चलो तो इसके लिए हम वर्क डन डिफाइन करना चाहते हैं। तो क्योंकि देखो हर प्रोसेस में याद है पीडीवी वर्क आता है, तो उससे रिलेटेड हमेशा इक्वेशन में चाहिए होता है। तो हमें ये देखते रहना है बार बार कि वर्क पे कोई भी अगर ऐसा कुछ प्रोसेस है तो उसका वर्क क्या आता है। अगर आपको वर्क याद है तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन क्या होता निकालेंगे, ठीक है। सो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, वर्क डन आपका क्या होता है, वर्क डन आपका होता है क्यू माइनस इंटरनल एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो अभी आप एक बात सोचो, वर्क डन को हमने एक और फॉर्म में लिखा था, ठीक है, और वो क्या था, पीडीवी वर्क। वर्क डन इज ऑल्सो डिफाइंड एज पीडीवी वर्क, जीरो टू कोई भी लिमिट, यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वन टू वॉल्यूम टू, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो पीडीवी वर्क, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये क्या होता है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वॉल्यूम वन टू वॉल्यूम टू लिमिट लिख लीजिए पी डी वी। अब देखो प्रेशर यहाँ पे अगर मुझे इसके फॉर्म में लिखना है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी मुझे वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय प्रेशर सॉरी वॉल्यूम। सो इंटीग्रेशन वी वन वी टू कॉन्स्टेंट बाय वॉल्यूम डी वी। सो बेसिक कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, ये आपका आ गया डी वी बाय वी वी वन टू वी टू। इसका फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, बिकॉज इंटीग्रेशन डी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स, याद होना चाहिए, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू एल एन ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम वी वन टू वी टू, लिमिट अप्लाई करो तो क्या आएगा एल एन ऑफ वी टू माइनस एल एन ऑफ वी वन, फिर लॉग अप्लाई करोगे तो एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। अब देखो यहाँ पे जो आपका सी है वो सी क्या है बेसिकली, ये पी वी। तो आपको आप इसको रीराइट कर सकते हो पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में, कैसे, W आइसो इज नथिंग बट पी वन वी वन एल एन क्या है वी टू बाई वी वन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पी वी इक्वल टू एन आर टी में, ठीक है। सो यहां पे आपका आप लिख सकते हो पी टू वी टू एल एन V2 by V1, ये भी वर्क आइसो है। फिर आप लिख सकते हो देखो PV क्या था हमारा R N R T, तीनों हमने कॉन्स्टेंट माना, तो P1 V1 is equal to N R T1, P2 V2 is equal to N R T2, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो W आइसो आप लिख सकते हो N R T1 ln V2 by V1 N R T2 V2 by V1। तो आपके पास कितने नंबर्स ऑफ द इक्वेशन है, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे यू हैव फोर डिफरेंट इक्वेशन पर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन, ठीक है। चलो अभी हम बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में उसमें लेके जाना चाहता हूँ। तो पहले तो हम उसके वर्ड को समझेंगे, फिर देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, और फिर हम इसी तरह वर्क डन उसके लिए भी डिराइव करेंगे, ठीक है। सो